नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोडन LM ऑइंटमेंट के बारे में। इसके फ़ायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे, इसको कैसे लगाना चाहिए और कितने दिन तक लगा सकते हैं, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, बायोडन LM ऑइंटमेंट आती है बायोफार्मा की, 15 ग्राम की ट्यूब है और इसमें जो सॉल्ट हैं वो है पोविडोन आयोडाइन, मेट्रोनिडाजोल एंड लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड ऑइंटमेंट। और इसका MRP देखें तो 98 रुपये की ये ट्यूब है, लेकिन दोस्तों ये जेनरिक है तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। और इसमें देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है पेन फ्री ड्रेसिंग ऑइंटमेंट, पेन फ्री बाउंड ड्रेसिंग, कोई भी पेन नहीं होता इसको लगाने से, क्योंकि इसमें लिग्नोकेन है तो ये उस जगह को सुन्न कर देता है जहाँ पर आप इसे लगाते हो। मान लीजिए अगर जख्म बड़ा है तो उस पर लगाओगे आप और फिर ड्रेसिंग पट्टी बांधते हो तो कई बार दर्द होता है, तो इस ट्यूब को लगाने से दर्द, पट्टी करते समय दर्द नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके यूजर्स की और किस काम में आ सकती है ये। दोस्तों, इसका उपयोग घाव, जख्म, फोड़ा फुंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये क्या करती है कि बैक्टीरिया के संक्रमण को ख़त्म करके जख्म घाव को सुखा देती है। इसका उपयोग आप आग से जल जाने पर जो जख्म हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, फफोली हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोड़ा फुंसी है या फिर कोई कट लग गया है, खरोंच है और कोई चाकू वगैरह से ज़्यादा कट गया है तो वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं। पुराना कोई घाव है, पस मवाद वाला घाव है या फिर कोई ऑपरेशन के बाद टांके वगैरह आए हैं, उनको सुखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो शुगर वाले मरीज होते हैं, डायबिटीज़ वाले मरीज होते हैं, उनको जो जख्म हो जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और बेड सोर्स की प्रॉब्लम, जो मरीज बेड पे लेटे रहते हैं उनको जख्म हो जाते हैं पीछे, उन जख्मों को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गुप्तांगों में कोई इन्फेक्शन हो गई है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सन बर्न की वजह से जो इन्फेक्शन हो उसमें भी इसका इस्तेमाल उस पर भी लगाया जा सकता है। बैंडेज करने के लिए बहुत अच्छा है, ये पट्टी वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा ट्यूब है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी है, क्योंकि इसमें देखिए मेट्रोनिडाजोल भी है और पोविडन आयोडीन भी है, तो बहुत अच्छा काम करेगा ये, पस वगैरह नहीं पड़ने देगा जख्म में और जल्दी से जल्दी सुखा भी देगा। इसको लगाना 2 बार है दिन में, सुबह शाम। और बैंडेज एक दिन में 1 बार ही किया जाती है, तो बैंडेज में इसको लगा सकते हैं पट्टी में, ठीक है, और फिर पट्टी बांध सकते हैं। और इसको लगाने से अगर जलन होती है, खुजली होती है, फिर लाल दाने हो जाते हैं उस जगह पे इसको लगाने से, या रेडनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। इसे नॉर्मली आप 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।